नमस्कार दोस्तों, स्टार सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गुप्ता विकासपुरी विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। हमारे बीच नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष रविकांत जोरी जी से इनकी बात करेंगे। रविकांत जोरी भाई, आपका स्वागत है पहले स्टार सिटी न्यूज में। रवि जी, आपका जो राजनीति की जर्नी है, भाजपा से आप जुड़े हैं, कितने वर्ष हो गए आपको? 2007 में अपना पहली बार मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। हमारी सरिता जिंदल जी उस टाइम निगम की चुनाव लड़ी थी, तो उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी। और सुमन शर्मा जी उस टाइम जिलाध्यक्ष जी, और हमारे विजय बंसल जी ने मुझे अपना मानवाधिकार प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया था जिले का। पार्टी में सर आपको जैसे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बनाया है, आगे क्या प्लानिंग है, आप संगठनों किस तरह मजबूत करके चलेंगे? आगे प्लानिंग ये है कि अभी हमारे विजय सोलंकी जी जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठ के संगठन की चर्चा होगी। संगठन को हम पुराने जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो नए हम जितने यंग जनरेशन के लोग जो हैं उनको हम साथ में जोड़ेंगे और दोनों का मेल करके हम टीम बनाएंगे और संगठन के लिए पूरा तरीके से काम करेंगे हम लोग। सर, जैसे आपने देखा है कोरोना काल जो पूरे देश भर में स्टार्टिंग में जब हुआ था लॉकडाउन, तो इसको लेके अब तक आपकी क्या मदद है समाज को लेके? आपने जितने मजदूरों को लेके भी आपने काफ़ी मदद की होगी जी, कैसा आपने उस समय कैसे मैनेज किया आपने? कोरोना काल में हमने करीब 1.5 लाख के समथिंग बजट में राशन दिया टी कैम में, अपने जीजे कॉलोनी में जो मजदूर लोग थे उनको। बाकी हमारी जो मेरी शॉप है गुड़गांव में, वहाँ लगभग हमारे 8 लोग हैं, उनको हमने आधी सैलरी पूरी दी हमने। ओके, पूरी दी। ये हमारा सहयोग था और समाज में भी हमने काफ़ी घर घर जिनको दिक्कत थी उनको हमने ये करवाया, भोजन करवाया। बाकी सर रविकांत जी, आपने अपनी सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए? ये काफ़ी बड़ी महामारी है जिसमें अपनी भी जान जा सकती है, तो आपने अपनी क्या सुरक्षा रखी उस समय? हम लोग मास्क और सैनिटाइज का यूज़ करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा हम लोगों ने और उसको देखते हुए हमने ये कार्यक्रम करें। सर आदेश गुप्ता जी जिस प्रकार अध्यक्ष यहाँ पे दिल्ली के, जैसे उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए हैं दिल्ली को लेकर, क्या क्या प्लानिंग है आने वाले समय, जैसे निगम चुनाव आएंगे 22 में, क्या प्लानिंग चल रही है? अभी तो सर अपना निगम के चुनाव के लिए हमारी मेन जो हमारा फोकस है वो सफाई के ऊपर है। सफाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, आप हमारा वार्ड देख सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। विकासपुरी हमारा, हमारी निगम पार्षद सरिता जिंदल जी हैं, उन्होंने पूरा वार्ड चमका रखा है। कहीं देखो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, उसको भी हम सुधारेंगे। और सरिता जी और हमारे सुनील जिंदल जी हैं जी, उनका पूरा सहयोग है इस वार्ड को। सर वार्ड नंबर 20 में आप रहते हैं, क्या क्या बेसिक समस्या आपको लग रही है? पानी की समस्या है यहाँ पर, पानी की भी समस्या है, सीवर की भी समस्या है। वो देखो हमारे डिपार्टमेंट में आता है, मतलब MCD के अंदर आता नहीं तो हम लोग कर नहीं पाते, ऐसी कहीं समस्या आएगी नहीं। रविकांत जी, मैं आपसे एक सवाल करूँ, जैसे दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में जल भराव, थोड़ी सी बारिश में इतना जल भराव की समस्या बन गई है, और जिस पे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और MCD अपने अपने पल्ले झाड़ रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा यहाँ का जो क्षेत्रीय MLA हैं हमारे यहाँ के, वो एरिया में कहीं उनका राउंड नहीं है, कोई कार्यकर्ता जाके देखता नहीं है, पूछता नहीं है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। MCD के अधीन जो डिपार्टमेंट आते हैं वो उनको पूरा तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते वो तो हमारे कहेंगे दिल्ली सरकार इस पर जिम्मेदार है, कहेंगे पल्ले झाड़ रही है जी। बिल्कुल सर, आने वाले नगर निगम चुनाव में क्या रुझान देखने को मिल सकता है? एक तरफा केजरीवाल जी अपने अपने वादे ठोक रही हैं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, अपने कामों के दम पे हम जीतेंगे निगम चुनाव, तो क्या रुझान देखने को मिल सकता है इस बार? पिछले 20 साल से तो अपना कहते हैं MCD भाजपा के पास ही है, और आने वाले चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आएंगे। तो सर आने वाले भविष्य में जैसे पार्टी टिकट देती है आपको, तो कोई चुनाव की इच्छुक हैं आप आने वाले समय? अभी तो मैं सर अपना सिर्फ संगठन को लेके, क्योंकि अभी 32 साल उम्र है, पूरा जीवन पड़ा है, बिल्कुल तो पहले संगठन की तरफ मेरा ध्यान है। सर मानो अपने मोदी सरकार हैं, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं देश को लेके, राम मंदिर को आप ले लीजिए, काफ़ी बड़ा एक मुद्दा था 500 वर्ष पुराना जी, और राफेल को लेके अगर बात करें, कई मुद्दे ऐसे देश को लेके जो मोदी जी ने काम किए हैं। मोदी जी ने
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है और इसका भी काफी बेनिफिट हमें चुनाव में देखने को मिलेगा। तो यह हमारी सीधी बात रविकांत जोहरी जी से, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता हूँ।